हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान। मैं हूं विकास। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टिकटॉक ऐप के बैन होने की बात में। ये सारी जानकारी आपको मिल तो चुकी है पहले ही, क्योंकि दो दिन पहले ही ये जजमेंट आ चुका है मद्रास हाई कोर्ट का कि टिकटॉक को इंडिया में पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के प्ले स्टोर से इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो इसको हटाने का कारण क्या रहा, इसको हटाने का कारण जो रहा वो हम देखेंगे पहले थोड़े से समय में। यदि हम किसी त्यापित न्यूज का सहारा लें तो हम भावकर की में चलेंगे। भावकर में आ गया है कि किन किन कारणों से टिकटॉक को बैन किया जा रहा है। तो टिकटॉक क्यों बैन किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से ये बताई गई है जानकारी कि क्यों बंद किया गया है, इसमें क्या कम थी। पोर्नोग्राफी को यह ज़्यादा सपोर्ट करता था इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। एक्चुअली इंडिया में कोई भी ऐप आता है, यदि उसको इंडिया के यूजर्स पसंद करते हैं तो वो हिट हो जाता है पूरी दुनिया में। 24 करोड़ यूजर थे इसके। तो अब क्या हो रहा है कि गूगल्स में कई सारी चीज़ें अपने आप आ रही हैं। जैसे में से पहला ये है कि कई सारे जगह पे ये आ रहा है कि इसको डाउनलोड कैसे करें। लेकिन ध्यान रखिए, इसके पहले डाउनलोड कैसे करें, इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि इनमें कई ऐसे लाखों लोग करोड़ों लोगों से थे जो इसमें हिट हुए अलग अलग चीज़ें करके। लेकिन अब उन लोगों में क्या बीत रही है, उनके आंसू तक निकल आए हैं टिकटॉक के बंद होते ही। उनकी क्या हालत हो रही है वही जानते हैं, और इनका होगा क्या भगवान जाने। क्योंकि टिकटॉक में ऐसे ही यूजर थे जो अपने अपना टैलेंट दिखाने के लिए कुछ भी गलत चीज़ें करते रहते थे। लेकिन अब हो क्या रहा है, इन दो दिनों में हुआ क्या है, डिलीट हो जाने के बाद गूगल ने ये चीज़ें बताई है कि कितना ज़्यादा सर्च किया गया है कि टिकटॉक को कैसे डाउनलोड करें। कुछ राज्यों में गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा और सबसे ज़्यादा केरल में ये सर्च किया गया है कि हम टिकटॉक को कैसे डाउनलोड करें। अब चूंकि इस पे आपत्तिजनक वीडियो यानी कंटेंट डाले जाते थे तो इस कारण से इसको बैन कर दिया गया है। तो अब ये चीज़ें आ रही हैं कि इसको हम डाउनलोड कैसे करें, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, डाउनलोड होगा ही नहीं। ये कॉमन सेंस की जानकारी है कि यदि इंडिया में इसे प्ले स्टोर से हटा दिया गया है तो फिर डाउनलोड नहीं किया जा सकता यार। अब उसको किसी भी तरह से आपको नहीं पाया, जिनके पास पहले से है वो यूज कर सकते हैं। तो अब इस तरह के कई सारे लिंक आएंगे कि आप इसे डाउनलोड कैसे करें या इसको अन्य ई वे से कैसे प्राप्त करें, ये इस तरह की आएंगी। क्योंकि यूजर्स को परेशान किया जा रहा है, यूजर्स को इतनी लत लग गई है कि वो जैसे ही टिकटॉक के बारे में कोई भी नई चीज़ देखते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं। तो इस तरह की अब अफवाह से दूर रहें, अब इसे दूरी बनाएं, धीरे धीरे हो जाएगी प्रैक्टिस। इसी क्रम में कई सारे ऐप आते रहते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं, हालांकि ध्यान रखते हुए करें यूज। आप इसी तरह के वीडियो के लिए, ऑसम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच।